हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बचवी रोटी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता कैसे बनाया जाता है उसकी विधि बताते हैं। और ये नाश्ता हम समोसे टाइप का नाश्ता बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हो। और हमारे घर में अक्सर रोटियां बची जाती हैं तो वो कैसे काम में भी आ सकती हैं। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए, जो सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। तो ये मैंने बचवी रोटी ली है नाश्ता बनाने के लिए, ये मैंने 2 से 3 बचवी रोटी ली है। तो सबसे पहले हम रोटियों को साइड रखेंगे और हम बेसन का एक, ये मैंने बाउल लिया है, बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो ये मैंने 1 कटोरी बेसन ली है। इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, ये मैंने कुटी हुई बारीक मिर्च पाउडर लिया है, ये थोड़ा दरदरा मैंने पीसा था, इससे हमारा जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। 1 चम्मच नमक अपना स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं। और ये मैंने कड़ा धनिया वाला धनिया है, ये साबुत धनिया है, इसको हम थोड़ा हाथ की सहायता से थोड़ा दरदरा करेंगे। तो देख सकते हैं ये मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा दरदरा कर लिए। और इसमें हम थोड़ी अजवाइन डालेंगे, अजवाइन को भी थोड़ा सा हाथ से मिक्स करेंगे, इससे सॉफ्ट हो जाएगी और बिल्कुल थोड़ा बारीक हो जाएगी। आधा चम्मच सौंफ डालेंगे, और ये मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिए कलर के लिए, ताकि कलर है जो बहुत ही अच्छा लगे। ये मैंने कटा हुआ हरा धनिया लिया है, ये भी डालते हैं, हरी मिर्चें ये भी डालते हैं, और इनको सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है, इसमें हम पूरा ही पानी डालेंगे, एक साथ में नहीं डालेंगे, और इसको अच्छे से फेटेंगे, मिक्स कर लेंगे बेसन को। और इसको हमें कंटिन्यू 5 मिनट के लिए अच्छे से फेटेंगे, ताकि जो इसकी जो गुठलियाँ होती है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमारा अच्छे से डो पूरा पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है, इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे। तो हमारा डो तैयार है, इसको रखेंगे। ये मैंने 1 से 2 आलू लिए, आलू मैंने बॉईल कर रखे हैं, अब इसमें भी हम मसाला डालेंगे। ये मैंने कटी हुई बारीक हरी मिर्च डालते हैं, ये अदरक है, अदरक भी डालते हैं, और ये धनिया भी डालते हैं, और ये मैंने बारीक प्याज काट रहे, प्याज भी डालेंगे। इसमें भी हम थोड़ा हल्का जीरा डालते हैं, मिर्च पाउडर डालते हैं। ये मैंने गरम मसाला लिया है 1/2 चम्मच, ये भी डालते हैं, अभी डालते हैं। नमक अपना स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर है। तो अभी मिक्स कर लेंगे, हम हाथ की सहायता से करेंगे, ताकि आलूओं को हमें थोड़ा मैश करना है। तो हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, गैस मैंने ऑन कर दी है, और बची हुई रोटी का नाश्ता बनाने के लिए, तब तक हम ऑयल गर्म होता है तब तक हम रोटी तैयार कर लेते हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो ये मैंने जो रोटी ली थी वो रोटी ली है, और ये जो मैंने आलू का मसाला बनाया था वो इस पे रखेंगे, और चारों तरफ से इसको अच्छे से लगाएंगे, इसको चारों तरफ से फैलाना है। तो ये हमारी रोटी भी अच्छे से, आलू अच्छे से मिक्स फैल चुका है, अब इसको हम चाकू की सहायता से काटेंगे। और आप पिज्जा कटर से काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं हो पाएगी, हम चाकू से भी आसानी से काट रहे हैं, इसको अच्छे से कट रहा है।
और इसकी अब बीच से भी इस तरीके से हमें फीसे करनी है। साइज की पीसे करनी है हमें। देख सकते हैं हमारी आसानी से ये रोटी कट चुकी है और ऑयल भी हमारा लगभग गर्म हो ही चुका है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये मैंने जो बेसन का घोल तैयार किया था उस पे हम उसमें डाल के और इसको फ्राई करेंगे। टेस्टी बनेगा बची हुई रोटी का नाश्ता, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। ये मैंने पलट दिया है इसको साइड से। आप देख सकते हैं ये हमारा फूल भी चुका है, कितना अच्छा लग रहा है, इनका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको हम निकालेंगे और जो और बाकी के थे वो भी डालते हैं। दूसरा वाला पीस डाल रहे हैं। अगर आपको लग रहा हो कि पतला है थोड़ा घोल तो आप उसमें थोड़ा बेसन और भी डाल सकते हैं। और ये कभी भी आप चाय के साथ में खा सकते हैं, बच्चों को नाश्ते में बना के दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। आप एक बार ज़रूर इनको ट्राई कीजिए। और हमारी जो रोटियां बच जाती हैं वो खाने में अच्छी भी नहीं लगती हैं, तो इस तरीके से आप बना के दोगे तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगी। ये हमारी बची हुई रोटी के स्नैक्स तैयार हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी हैं, तो देख सकते हैं आप समोसे से भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे आप इस तरीके से आप ये बनाएंगे तो, और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और आप नाश्ते में भी दे सकते हैं। अगर घर में कोई मेहमान आता है और आपके पास में कुछ भी नहीं है तो आप ये चीज़ बना के देंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगेगा और पता भी नहीं चले कि आप क्या बना के दें, तो आप इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। देख आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है और चाय के साथ में भी आप ले सकते हैं, तो आप इनको कभी भी बना सकते हैं। तो हमारी सिंपल तरीके से बची हुई रोटी का ही नाश्ता बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में।